सो गाइज, आज की ये वीडियो कैमरे वाले स्मार्टफोन के ऊपर होगी। अगर आपको 2022 में एक बेस्ट पावरफुल कैमरा वाला स्मार्टफोन लेना है तो इस वीडियो में 3 से 4 ऐसे स्मार्टफोन ऐड किया हूँ जो बिल्कुल न्यू एंड लेटेस्ट स्मार्टफोन है, और इन सभी स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो 35,000 के आसपास है। सो गाइज, इन सभी स्मार्टफोन में आपको एक तगड़ा कैमरा वाला फीचर देखने को मिलेगा, एक हाई गेमिंग करने वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ एक अच्छी बैटरी के साथ साथ आपको एक फास्ट चार्जिंग करने वाला सपोर्ट देखने को मिलेगा। So guys, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दो और मुझे मोटिवेट कर दो। तो चलिए गाइज, आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, हमारे इस लिस्ट का पहला स्मार्टफोन आता है Vivo X60 की ओर से। रियली गाइज, इस स्मार्टफोन का जो कैमरा है, जो क्वालिटी है कैमरे की, वो बहुत ही टॉप लेवल का। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर। तो इसमें मिलता है आपको 6.56 इंच का आपको AMOLED डिस्प्ले विद आपको 120Hz रिफ्रेश रेट एंड आपको HDR10+ का सपोर्ट। तो यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है, आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। स्क्रॉलिंग के मामले में स्मूथनेस बहुत ही स्मार्टफोन में अच्छी खासी है। एंड बात करूँ अभी इस स्मार्टफोन की ताकत की, तो इसमें मिलता है आपको Qualcomm Snapdragon का 870 का 5G प्रोसेसर जो कि 7nm के आता है। यहाँ पर डिस्प्ले की साथ साथ जो प्रोसेसर दे रखा है वो बहुत ही टॉप लेवल का है। आप PUBG, BGMI, Call of Duty का अच्छा खासा रन कर पाओगे। एंड यहाँ पर 870 का जो प्रोसेसर है वो एक गेमिंग प्रोसेसर स्पेशल फॉर गेमर लोगों के डिजाइन किया गया है। अभी बात कर रहे हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा डिपार्टमेंट की, तो आपको बैक पैनल में ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, 48MP का मेन कैमरा जो कि OIS के सपोर्ट के साथ में आता है। इस स्मार्टफोन में स्टेबिलाइजेशन आपको बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा, साथ ही आपको 13MP का आपको टेलीफोटो लेंस एंड आपको 13MP का अल्ट्रा वाइड। जी हाँ दोस्तों, आप अगर एक ब्लॉगर हो तो ये स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। स्टेबलाइजेशन आपको बहुत ही तगड़ा दे रखा है। अभी बात करूं इस स्मार्टफोन के वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो 4K वीडियो आप 30 FPS इजीली आप रिकॉर्ड कर पाओगे। एंड यहां पर आपको सेल्फी कैमरा के में आपको 32MP का सेल्फी कैमरा दे रखा है जिसमें आप फुल HD में वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाओगे 30 FPS तक। एंड बात करूं अभी इस स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो आपको मिलता है 4300mAh की बैटरी एंड आपको 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो यहां पर 4300mAh की जो बैटरी है इजीली आपको एक दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, एंड आपको 33W का जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है वो भी अच्छा खासा है। एंड बात करूं अदर फीचर, आपको USB टाइप सी का सपोर्ट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एंड आपको ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में आपको 3.5mm का जैक नहीं दे रखा है। एंड बात करूं अभी इस स्मार्टफोन की जो क्वालिटी है, वन ऑफ द बेस्ट है। गेमिंग के लिहाज से भी अच्छा खासा स्मार्टफोन है, कैमरा के लिहाज से भी अच्छा खासा स्मार्टफोन अच्छा है। एंड इस स्मार्टफोन को आप नाइट मोड के लिए अगर लेना चाहते हो कैमरा के डिपार्टमेंट में, कैमरा के मामले में, तो बहुत ही अच्छा इसका नाइट मोड है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में। एंड नेक्स्ट स्मार्टफोन है सैमसंग के लिए। जी हां दोस्तों, अगर आप सैमसंग का स्मार्टफोन पसंद करते हो तो यहां पर आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इस स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे बेस्ट फीचर देखने को मिलते हैं जो कि एक फ्लैगशिप से लेकर 45,000 से लेकर 50,000 के फोन के बीच में देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर, तो इसमें मिलता है आपको 6.5 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले विद आपको 120Hz रिफ्रेश रेट एंड आपको HDR10+ का सपोर्ट। इसके साथ साथ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर डिस्प्ले में आपको कोई भी प्रकार की कंजूसी नहीं की गई है, आप नेटफ्लिक्स, OTT प्लेटफॉर्म, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी को जो भी चीजें आपको रन करना चाहते हो, बहुत तगड़ा इसका जो है ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। साथ में इसमें जो प्रोसेसर दे रखा है वो आपको Qualcomm Snapdragon का 778G का 5G प्रोसेसर दे रखा है जो कि 6nm के चिपसेट रहता है। रियली गाइज, इस स्मार्टफोन BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी अच्छा खासा खेल पाओगे एंड आपका कोई भी फ्रेम ड्रॉप एंड आपको लैग ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन को सिर्फ और सिर्फ आप कैमरा के लिए लेना, गेमिंग के लिए मत लेना, क्योंकि गेमिंग भी अच्छा खासा चलता है लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी बात करूं इस स्मार्टफोन के कैमरा डिपार्टमेंट की, तो आपको 4 कैमरा दे रखा है बैक पैनल में। 64MP का मेन कैमरा जो कि OIS के सपोर्ट के साथ में आता है। रियली गाइज, इस स्मार्टफोन में जो स्टेबलाइजेशन है वो बहुत ही अच्छा खासा दे रखा है। इसके साथ साथ आपको 12MP का अल्ट्रा वाइड एंड आपको 5MP का माइक्रो एंड आपको 5MP का डेप्थ। तो चारों कैमरे की जो क्वालिटी है वो मैंने खुद देखा है, वो बहुत ही तगड़ा दे रखा है। इसके साथ साथ 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाओगे 30 FPS तक। एंड बात करूँ सेल्फी कैमरा को लेकर, तो आपको 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाओगे 30 FPS तक सेल्फी कैमरा से, जो कि 32MP का सेल्फी कैमरा दे रखा है। रियली गाइज, इस स्मार्टफोन में जो क्वालिटी है कैमरे की वो वन ऑफ द बेस्ट है। इस स्मार्टफोन की खास क्वालिटी है इस स्मार्टफोन का स्विच कैमरा। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आप स्विच कर सकते हो कैमरा बैक पैनल में और फ्रंट कैमरे में, तो बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है। एंड अभी बात करूँ इस स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो आपको 4500mAh की बैटरी एंड आपको 25W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से 25W नहीं देना चाहिए। इस स्मार्टफोन में आप 33W का जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है वो मिलना ही चाहिए। एंड आपको बैटरी बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलता है, इजीली एक दिन का बैटरी बैकअप इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। एंड बात करूँ अदर फीचर में, आपको USB टाइप सी का सपोर्ट, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एंड आपको ब्लूटूथ 5.0 एंड आपको 3.5mm जैक भी दे रखा है। एंड रियली बताओ, इस स्मार्टफोन में कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर PUBG या फिर आप OTT प्लेटफॉर्म देखते हो या फिर वीडियोस को देखते हो या फिर अगर आप एक गेमिंग भी करते हो ना, तो इसमें स्टूडियो स्पीकर का जो मचा है वो बहुत ही तगड़ा दे रखा है। एंड ये स्मार्टफोन आप 33 से लेकर 34 के बीच में फ्लिपकार्ट पर परचेज कर सकते हो, बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। IP67
7 का वाटर रेटिंग भी दे रखा है, वाटर प्रूफ स्मार्टफोन है, तो आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। अभी बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में। एंड नेक्स्ट गाइस स्मार्टफोन है वीवो का V23 प्रो, बिल्कुल न्यू स्मार्टफोन है। रियली गाइस इंडियाज फर्स्ट फोन है जिसका कलर भी चेंज होता है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के लुक को लेकर, तो लुक बहुत ही प्रीमियम से लगता है। एंड यहाँ पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मेटल का फ्रेम दे रखा है एंड प्लास्टिक का बैक दे रखा है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में आता है। और बात कर रहे हैं अगर हम इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर, तो इसमें मिलता है आपको 6.56 इंच का आपको AMOLED डिस्प्ले विथ आपको 90Hz रिफ्रेश रेट एंड आपको HDR10+ का सपोर्ट। यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन 120Hz का रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया है, ये मैं कटौती कहूँगा इस स्मार्टफोन में जो कि कर दिया गया है वीवो ने। एंड बात करो अभी इस स्मार्टफोन की ताकत की, तो MediaTek का Dimensity 1200 का प्रोसेसर दिया गया है जो कि 6nm के बेस पर है। एंड यहाँ पर जो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा खासा लगा हुआ है, MediaTek का सबसे बेस्ट प्रोसेसर जो है MediaTek का 1200 प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। इजीली इस स्मार्टफोन में PUBG, BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी को हाई रिफ्रेश रेट पर भी खेल पाओगे, आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप यानी आपको लैग ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा। एंड ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 12 के साथ में आता है, तो ये बहुत ही तगड़े स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। अभी बात करो इस स्मार्टफोन के कैमरा डिपार्टमेंट की, जो कि मेन हाईलाइट है इस स्मार्टफोन का, तो मेन में आपको जो है आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, प्लस आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, तो आप 4K वीडियो 30fps तक रिकॉर्ड कर पाओगे। एंड यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा क्वालिटी है वो बिल्कुल नेचुरल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको कोई भी वाइट फ्रेम जैसे आपको कोई सांवले इंसान को आपको गोरा बना के दे दे, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर जो रियल जो कलर है वो स्मार्टफोन देता है। एंड बात करूँ अभी इस स्मार्टफोन में सेल्फी कैमरा को लेकर, तो डुअल कैमरा का सेटअप है फ्रंट कैमरे में, जो कि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। तो यहाँ पर व्लॉगर के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो अगर आप व्लॉगर हो। एंड फ्रंट कैमरा की जो क्वालिटी है वो अब तक का बहुत ही तगड़ा फ्रंट कैमरा दे रखा है, 4K वीडियो भी 30fps तक इजीली रिकॉर्ड कर पाओगे फ्रंट कैमरे से। एंड बात करूँ अभी इस स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो आपको 4300mAh की बैटरी एंड आपको 44W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। इजीली एक घंटे में ये स्मार्टफोन चार्ज हो जाता है, उससे भी कम टाइम में। एंड यहाँ पर दिन भर का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। एंड बात करूँ अभी इस स्मार्टफोन के अदर फीचर के बारे में, तो USB टाइप सी का सपोर्ट, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, इसके साथ साथ ब्लूटूथ 5.2 दे रखा है। एंड यहाँ पर आपको 3.5mm का जैक इस स्मार्टफोन में नहीं दिया गया है। आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि सबसे ज्यादा सुपर एंड प्रीमियम स्मार्टफोन लगता है। एंड 35,000 के आसपास से आप परचेज कर सकते हो, बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन है। एंड बात करते हैं अभी नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो गाइस हमारे इस लिस्ट का आखिरी स्मार्टफोन आता है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G की ओर से। रियली गाइस जिस स्मार्टफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है और इसका जो परफॉर्मेंस है एंड इसका जो कैमरा है वो बहुत ही टॉप क्लास है। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के लुक वाइज के बारे में, तो लुक वाइज स्मार्टफोन बहुत ही प्लेन एंड सिंपल सा है। एंड यहाँ पर बात करूँ इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी को लेकर, तो प्लास्टिक बैक का एंड आपको एल्युमिनियम फ्रेम का जो है आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ ये स्मार्टफोन की बात करूँ डिस्प्ले को लेकर, तो 6.5 इंच का आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले विथ आपको 120Hz रिफ्रेश रेट एंड आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोडक्शन के साथ साथ IP68 का वाटर रेटिंग भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कहूँगा डिस्प्ले कम्प्लीट पैकेज है, आपको कोई भी प्रकार की कमी नहीं की गई है डिस्प्ले में। एंड बात करूँ अभी स्मार्टफोन के प्रोसेसर को लेकर, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 865 का 5G प्रोसेसर आता है जो कि 7nm के चिपसेट पर आता है। रैली गाइस इस स्मार्टफोन में आपको 5 5G बैंड देखने को मिलते हैं एंड अपग्रेड करके ये स्मार्टफोन जो है एंड्रॉयड 12 के साथ में आएगा। अभी बात करूँ इस स्मार्टफोन की जो पावर है वो बहुत ही तगड़ी है। एंड यहाँ पर PUBG, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी को अच्छा खासा चला सकते हो, रन कर सकते हो, आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप लैग नहीं देखने को मिलेगा। अभी बात करूँ इस स्मार्टफोन के कैमरा डिपार्टमेंट की, तो आपको ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट दे रखा है बैक पैनल में। जी हाँ दोस्तों, 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो कि OIS के सपोर्ट के साथ में आता है, प्लस आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एंड आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। तो कैमरा की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है, 4K वीडियो भी 30fps इजीली रिकॉर्ड कर पाओगे। एंड 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है, साथ में आप फ्रंट कैमरे से भी आप 4K वीडियो 30fps इजीली रिकॉर्ड कर पाओगे। तो कैमरा के मामले में बहुत ही टॉप क्लास का ये स्मार्टफोन है, इसलिए इसका सबसे बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन जो है ये है। एंड आपको सेल्फी कैमरे में अगर आप जाना है तो आप वीवो का V23 Pro आप ले सकते हो। अभी बात करूँ इस स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो आपको 4500mAh की बैटरी एंड आपको 25W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर प्रोसेसर के साथ साथ जो बैटरी दिया गया है वो भी अच्छा खासा है। बात करूँ इस स्मार्टफोन के अदर फीचर में, आपको USB टाइप सी का सपोर्ट, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एंड आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है। एंड आपको 3.5mm के जैक इस स्मार्टफोन में नहीं दिया गया है, बाकी स्मार्टफोन स्टूडियो स्पीकर के साथ में आता है। कैमरा की क्वालिटी में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, बहुत ही तगड़ा स्टेबलाइजेशन है। आप इस स्मार्टफोन के 35,000 के अराउंड आसपास इस प्राइस पर इजीली आप फ्लिपकार्ट से एंड अमेजोन से आप खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। अभी आप ये बताओ कि आपको कौन सा स्मार्टफोन वन ऑफ द
बेस्ट है गाइस लिस्ट का एंड आप कौन से स्मार्टफोन परचेस करने वाले हो। सो गाइस अभी हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।